गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में गिडा थाना क्षेत्र के रहने वाले विद्याधर पांडे व उनके पुत्र फार्मासिस्ट डॉक्टर शिव शंकर पांडे ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि लोगों को जागरूक कर पुनः एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिसको लेकर वह आगामी 6 फरवरी से अपनी निजी साधन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ अन्य प्रदेशों में जाकर नमो ऐप, सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पत्रक व संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक कर भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम एक आम नागरिक हैं और हमारी पीढ़ियां यानी हमारे पिताजी हैं श्री विद्याधर पांडे जी, मैं डॉक्टर शिवशंकर पांडे फार्मेसी मैन ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये हमारे बेटे हैं शिवांश पांडे। हमारे पूरे परिवार ने निर्णय लिया है कि हम एक अच्छी सरकार हमारे बीच में आए, हम लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करें, और वर्तमान सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है हम बहुत संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं 2024 चुनाव के बाद पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हों। इसलिए हमारे परिवार ने यह संकल्प लिया है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी एक यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को नमो ऐप के बारे में, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे, ताकि पूरे विश्व में ये जो होने वाला चुनाव है ऐतिहासिक अंतर से पुनः हमारे बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हों। और इसी विश्वास को लेकर के हमारी जो यात्रा है वो दिनांक 6 जनवरी से गोरखपुर से प्रारंभ होगी और गोरखपुर से विभिन्न शहरों से होते हुए यह बिहार की राजधानी पटना जाएगी। पटना से पुनः बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचेगी, वाराणसी से फिर प्रयागराज, प्रयागराज से रीवा, रीवा से पन्ना, पन्ना से ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी, फिर इटावा, औरैया, कानपुर, लखनऊ, फिर अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर होते हुए पुनः गोरखपुर आकर के विराम पर होगी। यह हम लोगों का उद्देश्य है कि हम आम नागरिक के हैसियत से हम चाहते हैं ये सरकार हमारे बीच में रहे ताकि हमारा देश विकसित देश बन सके।